जन्म कुंडली में दो विवाह के योग। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन के ऊपर। पिछले काफ़ी समय से विवाह के ऊपर निरंतर हमारी चर्चाएँ होती आ रही है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और महत्वपूर्ण वीडियो विवाह से जुड़ी हुई चर्चा करने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आजकल के दौर में शहरी विस्तार हो या ग्राम्य विस्तार हो, विवाह कार्य हो पाना, संपन्न हो पाना बेहद मुश्किल सा होता जा रहा है। कितने भी आप क्यों लायक ना हो, लेकिन विवाह होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हुई दिखाई देती हैं। उसके मुख्य बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनकी कुंडली में एक नहीं दो दो विवाह के योग होते हैं। अब ऐसा कौन सी स्थिति में होता है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक और महत्वपूर्ण माहिती आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ऐसे ही और बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियोस कालसर्प दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, विवाह, प्रेम विवाह, सरकारी नौकरी, करियर, ग्रहों को बलवान करने के उपाय, ज्योतिष शास्त्र और आपका स्वास्थ्य, शुभ योग, अशुभ योग, राजयोग, दुर्योग, पंच महापुरुष योग, राशिफल जैसे अलग अलग बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमेशा हमारी चर्चा निरंतर होती आ रही है। इसे YouTube चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में जाकर के सारे ही प्लेलिस्ट में प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियोस देख करके संपूर्ण माहिती आप प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले विवाह की बात करें तो वहाँ पर मुख्य तौर पर वैदिक ज्योतिष जो एक पद्धति होती है वह बहुत ही सटीक भविष्यवाणी कर सकती है। इसके साथ साथ नारी ज्योतिष, लाल किताब, नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी, साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी जैसे अलग अलग बहुत सारे प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के अलग अलग डिविजन्स देखने को मिल जाते हैं। मुख्य तौर पर हम यहाँ पर वैदिक ज्योतिष को ही आधार रूप रख करके चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप सभी जानते ही होंगे, शायद अथवा नहीं जानते तो समझ लीजिए कि सेवेंथ हाउस सातवां स्थान जो होता है वह आपके वैवाहिक जीवन, आपके जीवन साथी, आपकी मैरिटल लाइफ का होता है। अब किसी ना किसी प्रकार से ये इफेक्टेड होगा, खराब प्रभाव में होगा, यानी कि पाप ग्रह बैठा, ऊपर से एक और पाप ग्रह दृष्टि डाल दे, अथवा तो दो दो पाप ग्रह बैठ गए। विच्छेदात्मक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं सूर्य, नारायण, शनिदेव और राहु, उनकी दृष्टियाँ पड़ रही हो किसी भी रूप से, तब अक्सर हमें दो विवाह के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। सेवेंथ हाउस क्योंकि यहाँ पर सप्तम स्थान में काल पुरुष की कुंडली के आधार पर तुला राशि होती है, तो तुला राशि भी अगर कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाए, खराब प्रभाव में आ जाए, तब भी हमें दो विवाह के योग बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। शुक्र ग्रह जो कि दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन देने वाले ग्रह कहे जाते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाए, नीच राशि के हो जाए, अस्त हो जाए, वक्री अवस्था के हो, खराब स्थानों में बैठे हो, जैसे कि छठवें आठवें स्थान में बैठे हो, तब शुक्र खराब स्थिति के कहे जाएंगे। और शुक्र जब अफेक्टेड हो जाएंगे, खराब परिस्थिति में आ जाएंगे, तब भी आपका पहला वैवाहिक जीवन यानी कि पहला जो संबंध होगा वो अच्छे से नहीं चल पाएगा, वो टूट जाएगा, दूसरी बार विवाह के योग बनते हुए हमें दिखाई देंगे। यानी कि दो विवाह इस प्रकार से भी संभव हो सकता है। एक तो स्थान हो गया, स्थान के अधिपति और स्थान के कारक शुक्र कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगे पापक ग्रह। पापक ग्रहों की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, सूर्य, मंगल, शनि और राहु, ये चारों ही पापक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। बुध पापक ग्रह के साथ बैठे तो पाप प्रभाव, पक्ष बल से चंद्रमा पाप तथा शुभ ग्रह होते हैं। तो ये सारे ही परिस्थिति में अगर कहीं ना कहीं ये स्थान अथवा तो अधिपति अथवा तो कारक ग्रह परिस्थिति खराब हो जाती है, तब दो विवाह की संभावना संभवत हो सकती है। इसके अलावा एक और परिस्थिति होती है सेवेंथ हाउस के अधिपति यानी कि ये स्थान में जो भी राशि बनी हो। अब अधिपति किस प्रकार से आपको पता चल सकता है, स्क्रीन के ऊपर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, एक से लेकर 12 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, राशि के नाम लिखे हुए हैं, ग्रह के नाम लिखे हुए हैं, यानी कि जो नंबर यहाँ पर लिखा है अथवा तो राशि का नाम लिखा हुआ है उसके अधिपति, उस राशि को रूल करने वाले ग्रह आपको चार्ट में दिखाई दे रहे होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर 5 नंबर लिखा है तो सूर्य नारायण इस राशि के इस स्थान के अधिपति हुए। अब उस स्थान के अधिपति 6 स्थान में जाए यानी कि पीछे जाए, 8वें स्थान में जाए, 12वें स्थान में जाए अथवा द्वितीय स्थान में जाए। देखिए यहाँ के अधिपति यहाँ गए,
यहाँ गए अथवा तो यहाँ गए, 2, 6, 8, 12 जन्म कुंडली के ये जो स्थान होते हैं, अगर सेवेंथ हाउस के अधिपति यहाँ जा कर के बैठते हैं तब भी विवाह में तो विवाह का सुख अथवा तो कहें दुख देखने को मिल जाता है। दुख किस प्रकार से, पहला विवाह निष्फल हो गया तो वैसे ही दुख हो गया, और दूसरी बार विवाह हुआ तो वो सुख भी हुआ, यानी कि इसे अच्छा भी कह सकते हैं खराब भी कह सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में दो विवाह के योग बन रहे हैं तो उसे टाला जा सकता है। किस प्रकार से टाला जा सकता है, बहुत सारे उसके अलग अलग उपाय हो सकते हैं, आप हमें कंसल्ट करके पूछ सकते हैं। अगर कंसल्टिंग नहीं करवाना चाहते हैं तो अर्क विवाह, कुंभ विवाह जैसी विधि करवा करके, पूजा पाठ करवा के, शांति करवा के भी आप दो विवाह के योग टाल सकते हैं, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। लेकिन हमेशा ही कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि आपका पहला विवाह हो जाए अथवा तो होने वाला है, तभी इस विधि का, इस पूजा पाठ का उपयोग करा जाए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि बहुत समय पहले ऐसा कार्य कर लेते हैं तो दूसरी बार विवाह होने में दिक्कतें बहुत सारी आ जाएँ, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। इसलिए मेरा सुझाव यही रहेगा कि जब आप विवाह के मंडप में जा रहे हैं तब उसके अगले दिन ही आप ऐसी कोई विधि अथवा तो शांति करवाएं, अथवा विवाह के बाद भी ऐसा कुछ सोचा जा सकता है। खास करके राहु ग्रह की बात करें तो वो विच्छेदात्मक ग्रहों की श्रेणी में, विच्छेदात्मक यानी कि सेपरेशन, अलग विभाजित करना, तो सेपरेशन वाली लिस्ट में राहु सबसे अव्वल दर्जे के ऊपर होते हैं, बाद में शनिदेव और बाद में सूर्य नारायण। पापक ग्रह की श्रेणी में जैसे मैंने कहा कि मंगलदेव भी आते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए कोई भी मंगलदेव यहाँ पर बैठ गए शनिदेव की दृष्टि पड़ गई, राहु बैठ गए शनिदेव की दृष्टि पड़ गई, सूर्य बैठ गए शनिदेव की, राहु की, मंगल की, किसी की दृष्टि पड़ गई, तब आपके दो विवाह के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। राहु की महादशा में अगर आपका विवाह होता है तब भी दो विवाह के योग मान करके आप चल सकते हैं, क्योंकि राहु भ्रम होता है, राहु धोखा होता है, राहु छल होता है, राहु फ्रॉड होता है, आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा षड्यंत्र रचाया जाता है, आपको कहीं ऐसी जगह पर फंसाया जाता है जहां पर आपका पहला विवाह निष्फल हो जाए, दूसरा विवाह आपको करना पड़ सकता है। ये सारी ही स्थिति हमें D1 चार्ट में देखनी है, D9 चार्ट यानी कि नवमांश कुंडली में भी देखनी है, मून चार्ट यानी कि चंद्र कुंडली में देखनी है, चलित चार्ट यानी कि चलित कुंडली में देखनी है, सूर्य कुंडली, शुक्र कुंडली भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। लड़की की ही बात करें, केवल एक फीमेल की बात करें तो उनकी गुरु कुंडली के आधार पर भी यह सारी स्थिति देख सकते हैं, जीव कुंडली भी उसे कहा जा सकता है नारी ज्योतिष के आधार पर। तो इसी प्रकार से आप अलग अलग परिस्थितियाँ देखें, अवलोकन करें। अगर सेवेंथ हाउस के अधिपति सिक्स्थ में गए, एट्थ में गए, ट्वेल्थ में गए या सेकेंड में गए, तब जैसे मैंने कहा के दो विवाह के योग हो सकते हैं, और पापक ग्रहों का प्रभाव अगर वहाँ पर ज़्यादा रहा सेवेंथ हाउस पर, सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर, सेवेंथ सिग्निफिकेटर यानी कि कारक के ऊपर, यानी कि शुक्र वेनस के ऊपर, तब आपके दो विवाह संभावित हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि उसे टाला जा सकता है, उसके विधि विधान किए जा सकते हैं, शांति करवाई जा सकती है। उम्मीद है मुझे जो मैं बताना चाह रहा था वो आप अच्छे से आसानी से समझ पाए होंगे। अगर कोई प्रश्न छूट जाता है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उत्तर देने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ, सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए, नमस्कार।